तो मेटल और नॉन मेटल के बीच हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल चाहता है इलेक्ट्रॉन देना, नॉन मेटल चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना, तो इन दोनों में यही होता है कि एक देता है इलेक्ट्रॉन तो एक लेता है, तो ट्रांसफर हो जाता है। किसी को चिंता नहीं होती है यहाँ पे कि मेरे इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होगा। जो मेटल है वो चाहता ही था इलेक्ट्रॉन देना, वो चाहता ही था अपना इलेक्ट्रॉन देना और उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, चाहता था अपना इलेक्ट्रॉन देना उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। और उसके बाद दूसरा जो था वो चाहता था इलेक्ट्रॉन लेना टू गेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पाने के लिए जितना चाहिए या जितना देगा उतना ही वो कोई देता है या कोई गेन करता है। तो बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या होती है ये भी हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोवेलेंसी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई देता है, मान लो कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, सबको पता है कि इस कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। होना क्या है भाई, कुछ नहीं, ये कैल्शियम क्या करता है 2 8 8 2, ये ऑक्सीजन क्या है 2 8 6, सॉरी 2.6, तो होगा क्या भाई, सलोनी देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम अपना 2 दे देता है इसको, बस भूल गया देखे, सबको पता, आपको तो ये पता है ना कि कैल्शियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 8 8 बनने के लिए, और ये 2 ले लेगा तो ये 2.8 बन जाएगा, ये भी खुश वो भी खुश, ये खुश कितने क्या बन के 18, और ये बन गया खुश को बन के क्या 10। बस तो भैया इन दोनों के बीच में जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देता है ये बना देता है CA का 2+, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो O 2-। बस अब ये केटायन और एक एनायन ये दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचते हैं और ये बना देते हैं CaO। तो CaO क्या है, एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक, बीच में आयन्स बनते हैं इसलिए आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं या आयनिक बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है भाई, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी होगी, कितनी होगी इलेक्ट्रोवेलेंसी इसकी, है सर किसकी, सर कैल्शियम और ऑक्सीजन? पूरे कैल्शियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोवेलेंसी, पूरे कंपाउंड की निकलती है भाई, या कैल्शियम की चलो बोल दो, ऑक्सीजन की, दोनों की सेम ही है, होगी 2 होगी इलेक्ट्रोवेलेंसी 2। कितना डाउट में रहते हो आप लोग, ऐसे पूछते हो ऐसे बोलते हो आंसर जैसे बहुत डाउट है यार, हमको तो क्लियर ही नहीं हुआ ये चीज। इलेक्ट्रोवेलेंसी इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रोवेलेंसी दिमाग में घुसा लो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, बस कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वही होगा, 2 ही तो हुए ट्रांसफर, बात समझ में आ रही है जतिन? यस सर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए बस वही इलेक्ट्रोवेलेंसी होगी, सीधा सा मतलब है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बेकार में वो करोगे तो कंफ्यूज होगे। नैतिक गुप्ता समझ में आया? यस सर। चलो चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है ये CaO, बात खत्म, इलेक्ट्रोवेलेंसी 2। अब आगे बात करते हैं, कंडीशंस देखते हैं हम, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट आर द कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी जिससे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो है अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, टिकाऊ बनेगा,
ठीक है, जरा देखिए व्हाट आर द कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिक गुप्ता समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ऑफ एन फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रो वैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। कंडीशंस होनी चाहिए भाई, कंडीशंस जरा समझिए। पहली कंडीशन फर्स्ट, अच्छा कंडीशंस पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ, जब कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है, जब कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो होता क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक गेन करता है, मतलब एक केटायन बनता है और एक एनायन बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? केटायन का और एनायन का बनना किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ मेरे को? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे को ये बताओ, ये कैल्शियम है ठीक, ये कौन से इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर करता है? आउटर मोस्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। बहुत अच्छी बात है, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? दो। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये देना चाहता है। अब ये इतनी, अब इसको निकलने के लिए कुछ तो एनर्जी लगती है, हमने पढ़ा है, बताओ ना। आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है। अब ऐसे तो खाली फिली थोड़ी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मैंने बोल दिया हाँ कैल्शियम तुम इलेक्ट्रॉन दे दो, वो देना चाहता है कि ऐसे ही निकाल दिया, उछाल दिया, नहीं। उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कुछ तो देनी पड़ेगी, कुछ तो लगेगी। तो ये बताओ कि ये एनर्जी कम रहेगी तो अच्छा रहेगा कि एनर्जी ज्यादा रहेगी तो अच्छा रहेगा? शायद ज्यादा रहेगी तो अच्छा रहेगा। कौन बोला ये ज्यादा रहेगी तो अच्छा रहेगा? सर कम रहेगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है भैया। एनर्जी कम चाहिए ना नित्या, हैं? एनर्जी कम खर्चा करना पड़े हमको, हमी को ये एनर्जी तो हमको खुद देनी पड़ती है। ये एनर्जी तो रिक्वायर्ड वाली मिलने वाली होती तो चलो ज्यादा मिलेगी, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया? अगर तुम्हें कहीं कहेगा कि कम मेहनत करके और तुमको ज्यादा नंबर मिल जाएगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा? आएगा। तो बस वही बात है, इसको कम एनर्जी दे के और हमारा अच्छा तुरंत बॉन्ड बना दे या तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो अच्छी बात है, तो हमको देना पड़ रहा है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो ये बताओ कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन क्या कह सकते हैं हम? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। किसका? मेटल वाले का। किसका? जो दे रहा है उसका ना, कि दोनों का नहीं। तो पहला हो जाएगा फर्स्ट, भैया नैतिक बोल देंगे अगर बेटा नहीं समझ में आएगा तो, अगर नहीं आएगा प्लीज टेल मी। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी और एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल होगा, कम लो हो चाहिए। किसका? ऑफ मेटल। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जतिन समझ में आया तो ये, विवेक? यस सर। विवेक कुमार, अ पर्टिकुलर एटम इज लो, ठीक है। तो इफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन पर्टिकुलर एटम इज लो, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स
it will lose electrons easily, आसानी से, easily. अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है भाई, पहली हो गई. अब जो मिलने वाली एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए है, बताओ ना, जो मिलने वाली एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा. अब भैया मिलेगा रिजल्ट ही तो, रिजल्ट हमको अच्छा मिले सर, कम मेहनत किया हमने, कम एनर्जी लगाया. ये सर तो मिलने वाली एनर्जी कौन सी होती है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नैतिक. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एनर्जी रिलीज्ड है. जो एनर्जी रिलीज होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो किसके पास आएगा, नॉन मेटल के पास. तो उस नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. नैतिक गुप्ता इज इट क्लियर? यस सर. हाँ तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भाई. ठीक है हम लिखवा देते हैं अभी यहाँ पे, इसका होना चाहिए हाई. हाई सलोनी को समझ में आ रहा है? यस सर. चलो अच्छी बात है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए. ठीक है तो इससे क्या होगा, इफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज हाई, वैल्यू इज हाई हाई the anion will be formed easily, anion will be formed, आसानी से anion बन जाएगा भाई. ठीक है तो आसानी से anion बने, आसानी से cation बने, यही तो चाहता है सब कोई. बताइए कृष्णा राजपूत, आसानी से अगर anion बनेगा, आसानी से cation बनेगा, तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या है, है? तो आसानी से एनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी होगी, ज्यादा होगी. और आसानी से केटायन कब बनेगा, जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी. इज इट क्लियर टू एवरीवन, प्लीज टेल मी, इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. यस सर. इसको अपने पॉइंट में लिख लो, जरूरी है, लिख लो कॉपी में कि कैसे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस. दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड इफ यू वांट टू फॉर्म अ strong or good electro ionic electrovalent bond. This condition should be satisfied. If this is satisfied, then it is a strong or good bond. Low ionization energy जिसको cation बनाना है, high electron affinity जो anion बनाना है, बस काम खत्म. तीसरी बात तो कर ही लेंगे यार, चलो तीसरी बात तो कर ही लेंगे. ये दो चीज क्लियर हो गई तो तीसरी चीज electronegativity की बात कर रहा है. तीसरी बात जो इसने बोली वो बोली क्या, थर्ड पॉइंट. टाइम पे आया करो ना मिस्टर कृष्णा राजपूत, ऐसे लेट करोगे तो कैसे चलेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज डिफरेंस हो, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस. क्या कह रहे हैं सर, क्या चल रहा है ये, हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आया. नहीं आया चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं. कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, टेंशन ना लो. एक्स है जो कि केटाइन बनाना चाहता है, एक्स है जो कि केटाइन बनाना चाहते हैं, मतलब क्या है भाई, ये मेटल भाई, मेटल ही तो केटाइन बनाते हैं, बताएंगे. यस सर. इनका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई चाहिए, लो चाहिए, लो लो चाहिए, लो चाहिए. दूसरा वाई है, अरे वाई, ये वाई है नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है लेना, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चाहिए,
ज्यादा अच्छा रहेगा, उतनी आसानी से बनेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई चाहिए। चलो ये साथ तो समझ गए। अब ये बताओ कि ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये जो है वाई, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज हो, लार्ज मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो इसकी वैल्यू मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3 है, सपोज दैट 3.2, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 1.2, तो अभी डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना भाई, 2 का, तो 2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसके अंदर में, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2। अब हमने दूसरा x लिया और दूसरा y लिया, उस x में क्या था, 4.0 था और इसका 1.0 है। अब ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, इसका हमने आयनाइजेशन एनर्जी लो रखा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई रखा। अब ये बताओ कि अभी डिफरेंस कितना है सर, 3 का, 3, अभी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 3 का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, इस एक्स वाई का, इस एक्स वाई का, राइट वाले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3 है। तो ये वाला जो एक्स वन वाई वन मान लो, ये एक्स टू वाई टू मान लो, तो एक्स वन वाई वन अच्छा होगा कि एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू बताइए मेरे को बजरा नैतिक, एक्स टू वाई टू अच्छा होगा, क्यों, रीजन, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, हाँ बताओ सर, क्योंकि लार्ज डिफरेंस है इसलिए, क्यों मतलब लार्ज डिफरेंस क्यों है, मतलब लार्ज डिफरेंस की वजह से क्यों हो रहा है ये बताओ ना, लार्ज डिफरेंस तो होगा तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड द लार्ज डिफरेंस, क्या होगा उससे, क्या होगा उससे, कोई भी बताए, ट्रांसफर इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफर इजी हो जाएगा, अच्छा और कोई, जतिन पता नहीं सर, अरे ऐसे कैसे नहीं पता, तुमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजना है, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये बताओ मेरे को पहले, तो चलो बताओ सर, मैं बताऊं, अरे रुक जा, मुर्गा बनाऊंगा मैं क्लास में हाल, सतीन यादव जल्दी बताइए क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो सर, नाम तो सुना सुना लग रहा, अरे तो हम तो फिर काम भी सुना सुना बता देंगे, हम अभी वीडियो ऑन करके मुर्गा बना देंगे, अभी हाल पता चल जाएगा कि नाम कितना सुना है, सर याद नहीं आ रहा, कैसी बात करते हो हैं, क्या होती है नैतिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नैतिक यस सर, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पता नहीं सर, सर हम बताएं, सर पढ़ी नहीं है ये, अरे 10th क्लास में 9th क्लास में तो पढ़ी सर, अभी पढ़ी पिछले चैप्टर में, अरे ये अभी उसमें नहीं पढ़ा था इसलिए कह रहा हूँ, चलो राजपूत आप बताओ, राजपूत कृष्णा मिस्टर कृष्णा राजपूत प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहा क्या होता है ये, जतिन बहुत कायदे से सुताई होगी बेटा तुम्हारी, बहुत कायदे से सर याद नहीं आ रहा, हट याद नहीं आ रहा, फालतू की बात करता है, मतलब विवेक कुमार आप बता सकते हो क्या, पढ़ाना हमारा बेकार है एकदम, टोटली वेस्ट, अब ये छोटे छोटी चीजें ना बता पाओ, मैं बताऊं,
अरे रुक जा भाई साहब, दो ही तीन तो लोग हो जो कह रहे बताने के लिए, जो नहीं बताने। विवेक कुमार, केवल फीस देने के लिए पढ़ते हो क्या हैं? कुछ याद भी करना है, समझना भी है, कुछ सीखना भी है, उससे कोई मतलब नहीं। एनर्जी क्या कह रहा है तू? एनर्जी इज रिलीज्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी होती है क्या, ये बताओ ना मेरे को तुम। विवेक कुमार क्या यूनिट होगा उसका? मींस मेरे को भरोसा नहीं हो रहा ये स्थिति है क्लास की। सर मैं बताऊं? रुक जाओ ना, हम बताए। गलत बात है, सरासर गलत बात है, एकदम बिल्कुल। इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने के बाद ये हाल होगा और ऐसी चीजें होंगी। आप लोग क्या समझते हो कि घर पे बैठे हो तो कुछ भी करते रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, कोई इफेक्ट नहीं आना है? सर तो ऐसे बेवकूफ बस पढ़ा रहे, बस उनको तो फीस से मतलब है, बस फीस देते रहे, हम काम होता रहेगा उनका, यही समझते हो क्या है जतिन? अगर ये सोचते हो कि केवल फीस के लिए पढ़ाई हो रही है तो रहने दो, कल से मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी फीस की, कुछ कुछ भी की कोई जरूरत नहीं है, तुमको जो करना होगा कर लोगे अपने जीवन में। अगर पढ़ रहे हो तो कायदे से पढ़ो फिर। हम तो कितनी बार बोले कि अलग से क्लास लो, अलग से पूछ लो, अलग से ये कर लो, अलग से वो कर लो, नहीं करते हो। विवेक कुमार अभी भी रिमूव द, अभी भी एनर्जी पे लटके हो आप, एनर्जी होती ही नहीं है ये, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एनर्जी होती ही नहीं है, अभी भी आप एनर्जी में घुसे हो उसके, इट्स नॉट एनर्जी। मन तो कर रहा है हमारा क्लास यहीं पे एंड कर दे, बस हो गया आज की क्लास तो। अब ये स्थिति है आप लोगों की, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट। क्या है या तो हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे या तो फिर आपकी बदमाशी, यही दो कंडीशन है। अगर आपको नहीं आता है तो यही दो चीज है। तो अगर हम नहीं अच्छा पढ़ा रहे तो आप टाइम अपना पास कर रहे हो, फिर तो आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। अगर हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप अपना टाइम नुकसान कर रहे हैं, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर अपना जीवन नुकसान कर रहे हैं। बात को बहुत गंभीरता से समझ लो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि टीचर को बेवकूफ बनाते रहो, अब बगल में रख के पिज्जा खाओ, बगल में रख के चाउमीन खाओ, मैगी खाओ, अरे बगल में क्लास रखी है, मोबाइल पे चल रही, क्या कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचता है क्या कोई? मेरे को जरा बताएगा, ऐसा सोचता है, ऐसा होता है क्या, ऐसा करते हो क्या आप लोग हैं? संस्कार बहुत कायदे से समझ लो, और जतिन नैतिक, घर में घुस के हम मारेंगे तुम लोगों के, समझ लेना। यस सर। तुम्हारे घर पे आएंगे वहीं पे पटक के मारेंगे हम, बुद्धि सही हो जाएगी एक बार में, हाल अगली बार से मेरे को ऐसा नहीं करना है। और जो भी नए लोग भी हैं वो भी ये समझ लें, इन लोग तो जानते हैं हमको कायदे से किस तरीके की सुताई हम लगाते हैं। और घर में घुस के मारेंगे, आपके मम्मी पापा देखेंगे केवल, अगर नई कायदे से पढ़ोगे तो। कृष्णा राजपूत लास्ट वार्निंग, और नैतिक तुम तो बगल में रहते हो हमारे, ठीक है, हम जहां पे अभी पढ़ा रहे हैं वहां से तुम्हारा 10 कदम भी नहीं है, पढ़ाई कायदे से कर लो, छूटा है फोन करो, टाइम लो, पढ़ो उसको, खत्म करो। बहुत कायदे से समझा रहे, लास्ट बार है, नहीं तो हम नहीं क्लास कराएंगे आप लोगों की, खत्म बात। जो बच्चे पढ़ेंगे उतने की क्लास होगी, वो भले 2 हो चाहे 3 हो,
हमको नहीं शौक है 50 बच्चों को पढ़ाने का, 50 है भी कहा, 7-8 तो बच्चे ही उसकी जगह पे, 3 और कम हो जाएंगे, 3-4 पढ़ाए तो कम से कम उसको जिसको फायदा हो रहा है, जो चीज सीख रहा है, जिसका मन है पढ़ने का है, उसको पढ़ा के क्या फायदा, जो वही बात हो जाएगी कि हाँ क्या कर रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, हम तो चिल्ला रहे आप लोग तो यही फर्क, जू नहीं रेंग रही होगी, क्या मतलब है चिल्ला लें, दो मिनट चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे, उनको तो पैसा से मतलब है, अगर ऐसा सोचते हो तो फिर बहुत गलत सोचते हो, बहुत गलत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की हो सकती है, किसी भी एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है उसकी। टेंडेंसी का मतलब क्या है, टेंडेंसी का मतलब क्या है कि उसकी इच्छा है वो, कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, उसकी इच्छा है, उसकी टेंडेंसी है। अब इच्छा की और टेंडेंसी की कोई यूनिट होती है क्या है? आप मेरी इच्छा है अभी आपको पटक, अभी मेरी इच्छा है आपको पटक के मारने की, उसकी कोई यूनिट होगी क्या कि कितना मारूंगा मैं, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो एक टेंडेंसी है, केवल एक टेंडेंसी है। विवेक कुमार, कृष्णा राजपूत, जतिन और नैतिक, बहुत अच्छे से समझ लो इस बात को कि ये केवल टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट की, जो चाहता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को या कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत को या टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है इसका, नो यूनिट, डायमेंशनलेस। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बोलूं कि आपने सब्जी बनी घर में, कैसी बनी है, अच्छी बनी है बुरी बनी है, यही कहोगे कि ऐसा कह दो कि 2 किलोमीटर लंबी है ऐसी बनी है, चाहे कोई यूनिट दे पाओगे उसको, नहीं दे पाओगे। तो ऐसी चीज है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, एक इच्छा है, एक टेंडेंसी है किसी चीज की। टेंडेंसी को हिंदी में जानते हो तो नैतिक, बात समझ में आ रही है? यस सर। एक टेंडेंसी है केवल किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को खींचने की। लिख लो अपने हिंदी में, कॉपी में लिख लो, जैसे भी भाषा होती है लिख लो, लेकिन लिख के बंद करके कोने में मत डाल दो, उसको देखो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, एक्स का कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा जरूर, सभी में अभी सबका भाई, कोई भी बना लो H2O है। अब ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की एक अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाइड्रोजन की एक अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, CO2 बना है, CO2 में ऑक्सीजन दो है, उन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। थोड़ा गंभीरता से समझा करो पॉइंट को, हम बोल रहे हैं किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसकी खुद की इच्छा होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ताकत होती है खींचने की, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, बस अंतर यही है। जैसे एक्स का कितना है 3.2 और वाई का कितना है, X1 का 3.2 Y1 का 1.2, किसका इच्छा कम है, किसकी ताकत कम है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, Y1 की ताकत कम है, 1.2 है केवल, इसका 3.2 इसकी ताकत ज्यादा है। तो एक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अच्छा बनने के लिए अगर दो चीजें आ रही हैं, तो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो दूसरे का बहुत कम होना चाहिए, एक का ज्यादा है तो दूसरे का बहुत कम होना चाहिए, कि डिफरेंस अधिक से अधिक हो, डिफरेंस लार्ज हो। लार्ज डिफरेंस से क्या होगा कि एक लूज आसानी से कर सकता है और एक अट्रैक्ट आसानी से कर सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर अगर मैं इस वाई की इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो ये उतनी तरीके से नहीं खींच पाएगा उसको ना अब, लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती तो इसको निकाल ही पाना मुश्किल था, वो जाने ही नहीं देगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। विवेक कुमार, पहले तो आप, आज आपका आखिरी दिन है, कल से आपका माइक स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो क्या होता है, कैसे होगा हमको नहीं पता,
tomorrow onwards I want to listen your voice. Okay, I want that you need to speak. You need to speak in the class. ऐसे नहीं चलता है. Thumbs up दे दिया हर बार, बस मुस्की मार दिया अंदर से बैठे बैठे, ऐसे नहीं चलेगा ना. कृष्णा राजपूत समझ में आया? Yes sir. तो ताकत है खींचने की इलेक्ट्रॉन को, इसकी ताकत कम है, इसकी ताकत ज्यादा है. वैसे ही अगर ये डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर ये डिफरेंस ज्यादा हुआ तो अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. सलोनी, इज इट क्लियर? यस सर. नित्या? यस सर. आपका डिफरेंस वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि फिर से समझाएं? डिफरेंस ज्यादा होने से क्या होगा सर? हो गया क्लियर कि वो इजीली लूज, इजीली लूज, और दूसरा इजीली गेन भी करेगा. हाँ सर भाई. ठीक है. ओके ओके. तो ये तीन हैं कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. दीज थ्री कंडीशंस आर मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पीरियोडिक टेबल तो आप लोग पढ़ चुके हैं. तो ये बताइए कि कौन से ग्रुप में और कौन से ग्रुप का मेटल हो तो अच्छा होगा, और कौन सा ग्रुप का नॉन मेटल हम ले तो अच्छा होगा. कौन से ग्रुप का मेटल ले? जतिन, अरे जतिन बताएगा मेरे को. सर ग्रुप वन का मेटल अच्छा होगा. हाँ, और ग्रुप 17 का नॉन मेटल अच्छा होगा. हाँ ये होगा. ग्रुप वन का मेटल सबसे ज्यादा इच्छा है उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की, सबसे अच्छा मेटल है वो. ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री में सबसे अच्छा है मेटल ग्रुप वन का. वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बहुत आसानी से, सबसे जल्दी. तो ग्रुप वन का मेटल और ग्रुप 17 वो है इलेक्ट्रॉन चाहत सबसे ज्यादा उसके अंदर. उसके आउटर मोस्ट में 7 है, केवल एक करना है और एक है जो एक देना है. तो ये दोनों जिसको एक देना है केवल, और एक जो दूसरा है जिसको केवल एक चाहिए, यही दोनों सबसे ज्यादा क्या है अपने फायदे वाले हैं. तो पहले लिख देते हैं हम द मेटल्स, द मेटल्स ऑफ ग्रुप्स 1, 2 and 13 have a tendency to lose electron, so they combine, अच्छा ग्रुप वन वाला किसके साथ कंबाइन करेगा? ग्रुप 17 के साथ. बताओ नैतिक, ग्रुप वन वाला ग्रुप 17 के साथ, ग्रुप टू वाला किसके साथ? नैतिक, 16 के साथ. वेरी गुड. और ग्रुप 13 वाला? 15 के साथ. बताइए कृष्णा, समझ में आया? तो विवेक, कंबाइन विथ नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17. ऐसा कर लो. कौन है ये? कृष्णा राजपूत म्यूट करके रखो ना. ग्रुप 17, 16 एंड 15 रेस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना? यस. ये वन वाला 17 के साथ, टू वाला 16 के साथ, 13 वाला 15 के साथ कंबाइन करेगा और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना देगा. वेरी सिंपल. नोट करके लिखना है अपन को कि ये जो 17 और वन वाले सबसे अच्छा बनाएंगे. ग्रुप वन एंड ग्रुप 17, ग्रुप एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन, मेटल ऑफ ग्रुप वन एंड नॉन मेटल ऑफ
ग्रुप 17 will form strong electrovalent bond. ये सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे मेटल ऑफ ग्रुप 1 एंड नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 17. देखो भैया मैं बोला था ना, याद होगा आप लोगों को सलोनी की, हमने पिछले चैप्टर पे जब पढ़ा रहे थे पीरियोडिक टेबल, तभी हमने बोला था कि ये चैप्टर डिसाइड करेगा आपके आगे आने वाले पूरे चैप्टर्स को. तो पहला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा केमिस्ट्री में स्मूथली निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होना. और यही आप लोग की कमी है कि आप लोग पहले चैप्टर को अच्छे से नहीं कर रहे हो. जिसकी भी कमी है वो समझ रहा होगा और उसको कर ले, कोई डाउट है तो पूछ ले. बहुत टाइम दिया मैंने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाने में, बहुत टाइम दिया है, तो ऐसे बिल्कुल ना करो आप लोग. तो मेटल ऑफ द ग्रुप 1 एंड द नॉन मेटल ऑफ द ग्रुप 17 विल फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. ओके ओके. अब ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल भी होते हैं. क्या होंगे? स्टेबल. व्हाई दे आर स्टेबल? व्हाई? व्हाई इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल? स्टेबल क्यों होते हैं? मैंने बता चुका हूं, मैंने बता दिया इसको बताइयो जरा नित्या आप आंसर. मैंने बताया है सर, क्योंकि जब मेटल ट्रांसफर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन तो वो स्टेबल हो जाएगा, और नॉन मेटल लेगा तो नहीं. तो स्टेबल हो गए तो फिर ये दोनों मिले क्यों? हमने ये भी तो बताया था सर, एक मिनट हम याद करना चाहिए. जैसे मेटल है बताओ सर, क्योंकि वो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा अपोजिट चार्ज के बीच में. यस सर. मान लो कोई मेटल है, इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज किया, n. कोई मेटल m है जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसके पास कितना चार्ज आएगा? प्लस n आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. नैतिक आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. कोई मेटल m है, उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसके पास प्लस n चार्ज आएगा. और कोई नॉन मेटल है हमारा P है, और इसने अब ये अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन पाएगा? इसको चाहिए होगा, इसको भी तो चाहिए होगा n. yes, ये माइनस n. ये ध्यान रखना बेटा कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हमेशा उन्हीं में बनेगा जब एक जो देगा वो उतने ही इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा जितना दूसरा तलाश में होगा. जितना दूसरा इलेक्ट्रॉन तलाश में होगा जितने इलेक्ट्रॉन के, उतने इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिलेंगे तभी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. ठीक है. तो अब ये तो अपने आप में स्टेबल होता है कि नहीं होता है बताओ. ये भी अपने आप में स्टेबल होता है कि नहीं होता है बताओ. Yes, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए. क्यों? स्टेबिलिटी पाने के लिए. स्टेबल का मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया, ये भी नोबल गैस जैसा बन गया है और ये भी नोबल गैस जैसा बन गया है. तो भैया जब दोनों नोबल गैस जैसे बन गए हैं तो मैंने बताया था कि ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर गेटेड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. अब ये पॉजिटिव चार्ज केटायन, एक नेगेटिव चार्ज एनायन, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तब ये तो मिलके बॉन्ड बना देते. दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल. नैतिक और बाकी विवेक कुमार समझ में आया? विवेक कुमार, कृष्ण राजपूत समझ में आया? यस सर. पक्का? झूठ नहीं बोलना है बेटा, ऐसा नहीं कि हम अरे यार वो क्या सोचेंगे सब बाकी. ना 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 ना, वो सोचेंगे तो फिर दुनिया सोचेगी. तो
कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पूछोगे कल बताओगे, ये याद रखो, आज पूछोगे तभी कल आंसर बता पाओगे, तो आज पूछोगे नहीं तो कल भी नहीं बता पाओगे। तो m प्लस n p माइनस n, उतना इलेक्ट्रॉन दिया जितना इसने लिया, दोनों में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना और इनके बीच में अट्रैक्शन चालू हुआ, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं भाई, एग्जाम्पल्स तो हमने कई सारे बनवाई दिए थे, कई सारे आपको पता ही हैं। अब ये बताओ कि अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना है अपन को, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का, तो बाकी तो बनाना तो सिखाई दिए थे हम, चलो एक बार बता देते हैं। और मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाने के बोल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ सम कोवेलेंट, सम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, कुछ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के क्या हैं स्ट्रक्चर। पहला है सोडियम क्लोराइड, जल्दी से बनाओ तो अपने से, सोडियम क्लोराइड NaCl, मैंने लगभग बता ही दिया कैसे बनता है, चलो देख ही लो, चलो एक देख लो दूसरा अपने से बनाना। सबको पता है कि इसमें मेटल कौन सा होगा बेटा, सोडियम, सोडियम होगा इसका मेटल होगा हमारा, सोडियम Na, और इसका नॉन मेटल कौन सा होगा, क्लोरीन, क्लोरीन, अरे और भी बाकी लोग बोल दिया करो कभी कभी, Cl, क्लोरीन है एक मेटल, नॉन मेटल और मेटल है हमारा सोडियम, सबको पता है, मेरे को बताओ जरा नैतिक ये सोडियम कौन से ग्रुप का है, एल्केलिक, वेरी गुड, ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 17, वेरी गुड, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 17, वेरी गुड। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 में क्या होगा, पहले सोडियम का ना लो, सोडियम का बनाओगे आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली हम बनाएंगे पहले इस तरीके से, जरा समझो ये इसका सबसे बाहर वाला सेल है, फिर उसके बाद इसके अंदर वाला, एक तीन सेल होंगे इसके पास, क्यों जतिन? यस सर, तीन सेल होंगे, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, टू, एक दो, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और लास्ट वाले में एक, ये है Na, ओके। अब क्लोरीन है, क्लोरीन है, ओ माय गॉड क्लोरीन, चलिए क्लोरीन, क्लोरीन भी तीन भाई, तीन ही सेल होंगे कृष्णा, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का, हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है क्लोरीन का बताओ, अब बना लेंगे तब बताओगे क्या, बताया ही नहीं, छह स्थिति है लोगों की, क्या बताएंगे हम, 287 होता है, पहले में दो दूसरे में आठ तीसरे में सात, इसके में पहले में दो दूसरे में आठ तीसरे में एक, इसके में दो आठ और सात, ठीक है ऐसी स्थिति है। अब ये बताओ कि इसका एटॉमिक नंबर 8, 2, 10, 11 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 8, 2, 10 और 17 हो गया,
तो ये भी स्टेबल बनना चाहता है, ये भी स्टेबल बनना चाहता है, किसके जैसा बनना चाहता है मेरे को बताइए जरा विवेक, ये 281 किसके जैसा बनना चाहता है, क्या करना चाहता है? या कृष्णा, आप दोनों में से कोई चाहे बताए जल्दी, कृष्णा एंड विवेक, बोथ ऑफ यू बता सकते हैं, आप लोग के पास मौका है बताने का जल्दी। ये 281 क्या करना चाहेगा? हैं? लूज की गेन सर, गेन। ये 281 गेन करेगा, बहुत अच्छी बात। 287 लूज करेगा। यस सर। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। मैंने ये बोला था कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज करता है, और जिसके आउटर मोस्ट में 7 होता है वो गेन करता है। तो ये चीज याद नहीं है आपको, जल्दी कॉपी में लिखो, तुरंत हाल जल्दी लिखो, विद इन सेकेंड जल्दी लिखो कि आउटर मोस्ट सेल में जब 1, 2, या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मेटल होते हैं, वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6, या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गेन करते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। जल्दी लिखिए कॉपी में और मेरे को दिखाइए वीडियो ऑन करके, लिखा है कॉपी में ये चीज, वीडियो ऑन करिए और दिखाइए मेरे को आप कॉपी में ये चीज लिखे। जिसके आउटर मोस्ट शेल में, मैं कितनी बार बोलता हूँ पूछा करो, नहीं समझ में आता है आपको, 281 है आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल होगा, जिसके आउटर मोस्ट में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन मेटल होगा, हमेशा की इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जरा ये बताओ ना किसका एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक नंबर याद है कृष्णा, इस वाले का एटॉमिक नंबर कितना आएगा जरा बताइयो, जरा इन दोनों का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर बताओ तो मेरे को, 281 वाले का सर 11, 11, और इसका सर 17, 17। तो ये 11 के सबसे नजदीक में नोबल गैस कौन सी है बताओ, सबसे नजदीक में नोबल गैस कौन सी है, कौन कौन सी नोबल गैस होती हैं? 2, 10 और 18, इतने को तो कम से कम याद रखो, ये तीनों नोबल गैस हैं। तो ये बताओ 11 के नजदीक कौन सी है? 10, 10 है, तो 10 के पास कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बारे बार 10 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और 11 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11, 8, 2, 10 और 1, 11, 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल। आउटर मोस्ट बाहर वाले सबसे सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करता है तो 10 जैसा बन जाता है, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, किसको? इसको दे देगा, इसी को एक चाहिए 18 बनने के लिए। देखो ये 17 है, इसको 18 बनना है तो इसको एक चाहिए, तो ये ले लेता है इससे। नहीं समझ में आया सर? नहीं। क्या नहीं आया बोलो जरा सर, आप फिर से समझाइए। क्या चीज बोलोगे ना तब ना, कौन सी चीज, कौन सी चीज नहीं समझ में आई ये बताओ, मेटल नहीं समझ में आया कि नॉन मेटल नहीं आया? मेटल है, मेटल सर। मेटल समझ में नहीं आया, मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कि गेन करते हैं ये बताओ सर। लूज करते हैं। तो क्या नहीं समझ में आया, तो कितना लूज करते हैं सर? सर ज्यादा। ज्यादा मतलब क्या? अब ये बताओ कि लूज करके किसके जैसा बनना चाहते हैं, स्टेबल जैसा? स्टेबल यही तीनों है, इन तीनों को याद कर लो। यस सर। ये तीनों स्टेबल हैं। अब ये अगर 3 वाला कोई होगा तो वो 2 बनना चाहेगा तो 1 लूज करेगा, 4 वाला 2 बनना चाहेगा 2 लूज करेगा, 11 वाला 10 बनना चाहता है 1 लूज करेगा, 17 वाला 18 बनना चाहता है 1 गेन करेगा। तो जो गेन करेगा वो नॉन मेटल, जो लूज करेगा वो मेटल। समझ में आया? यस सर। क्लास कंटिन्यू करोगे नहीं, टाइम से आओगे नहीं तो कहां से समझ में आ जाएगा? जादू की छड़ी थोड़ी है किसी के पास कि घुमाया हाल समझ में आ गया, बस मेहनत करना पड़ता है आपको भी हमको भी, तब जाके समझ में आती हैं चीजें, इतनी आसान नहीं है।
कितनी बार बोला है कि फोन कर लिया करो अलग से, मैसेज अलग से क्लास ले लिया करो, फोन करोगे नहीं, मैसेज कर दोगे सर फोन नहीं लग रहा आपका, रेडिकुलस है पूरा, चीजें एकदम ऐसी चलेंगी तो कैसे चलेगा। हाँ तो टू एट वन, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये एक लेगा, होगा क्या जरा बनाओ इसमें, अब होना क्या है, ये जब देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, वन था, तो अभी स्थिति क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो ये जब देगा, जब ये लूज करेगा, जब ये लूज करेगा एक, तो ये बनना चाहता है 2.8 और ये बनना चाहता है 2.8.8, ये बनना चाहता है 2.8 और ये बनना चाहता है 2.8.8, तो जरा बना लेंगे हम 2.8.8 क्या होगा, 2.8 क्या होगा, तो एक दो ही सेल बचेंगे इसके पास, दो ही सेल बचेंगे, एक दे देगा तो भाई, और इसके पास बचेंगे तीनों रहेंगे, इसके पास तीनों रहेंगे भाई, देखिए क्या होगा, इसके पास पहले में दो अभी भी, दूसरे में आठ हो जाएंगे, तो भैया ऑक्टेट पूरा, अब यही तो चाहता था, ये दस जैसा बनना चाहता, दस जैसा बन गया, सोडियम है ये, और Na नहीं है, ये Na प्लस है, क्या है ये Na प्लस है, ये Na नहीं लिखेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो Na प्लस हो जाएगा, ये Cl माइनस हो जाएगा जब दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो 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 दो, यहाँ पे एक दो एक को, अरे यार इसका क्रॉस का बना दो, एक दो एक, इसका क्रॉस का इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस अलग अलग बनाया करो ताकि पता चलेगा, क्रॉस का इलेक्ट्रॉन इसके में कितने हो गए, दो चार छ एक सात, पहले से था एक क्रॉस वाला और आ गया, कहां से, यहां से एक क्रॉस वाला इधर आके लग गया, तो ये Cl माइनस बन गया, ये Na प्लस बन गया, बस अब Na प्लस और Cl माइनस स्टेबल हो गए, 2.8 2.8 8, अब ये इसको खींचेगा वो इसको खींचेगा, दोनों मिल जाएंगे काम खत्म, दोनों मिल जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, क्योंकि ये केटायन बन गया, ये एनायन बन गया, दिस इज केटायन, दिस इज एनायन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे विल बिकम स्टेबल, बताइए बताइए, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कूलम फोर्स भी कहते हैं, कूलम फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन मेक्स द कंपाउंड स्टेबल, मेक्स द स्टेबल, ये हो जाएगा, इन दोनों को अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे, इसको कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, दूसरा नाम कूलम्बिक फोर्स कर दो, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग बनाएंगे MgCl2 का कैल्शियम ऑक्साइड का अपने से, और मेरे को कल दिखाएंगे, जल्दी से आप लोग का होमवर्क है MgCl2 का CaO का बनाना, यही सेम टू सेम पूरा डायग्राम एकदम कायदे से बनाएंगे, और कल हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे,
कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे और आप लोग का होमवर्क है, जो होमवर्क है MgCl2 का बनाना पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से ऐसे ही, और कैल्शियम ऑक्साइड का CaO का, ये दोनों क्या है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, दोनों का बनाएंगे एंड विल मीट टुमारो ओके। और बहुत जल्दी शायद संडे को आपका टेस्ट हो या मंडे को, तो आप टेस्ट प्रिपेयर कर लो भाई, पहले चैप्टर का, पहला चैप्टर का अच्छा टेस्ट बन गया है और आप लोग को बहुत जल्दी ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। सर हम लोगों को होमवर्क आपको नहीं, हम कल चेक करेंगे। म्यूट, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है बेटा, तो वो कल हम चेक कर लेंगे क्लास में, परेशान ना हो ठीक है। आई विल चेक इन क्लास ओके, आई विल अलाउ द वीडियो टू स्टार्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल चेक वन बाय वन ओके। ओके सर ओके, बुक से देख के नहीं बनाएगा कोई, आराम से अपने से बनाएगा। चीटिंग करोगे तो फिर भगवान मालिक ही है, हम नहीं मालिक है फिर भगवान मालिक। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।